नमस्कार दोस्तों, फिर से लेकर आएगा वो सेलिब्रेट कॉमेडियन कम्युनिटी से, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं जाकिर खान के बारे में। तो जाकिर जुड़ी आज मेरे पास दो अपडेट्स हैं, एक अच्छी अपडेट है एक बुरी अपडेट। तो पहले बुरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे जो है अपनी जिंदगी में साथ से कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं अभी, मतलब सीरियस प्रॉब्लम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंस्टाग्राम में एक बहुत इमोशनल स्टोरी डाले, वे लिखते हैं, जिंदगी में अपलोड कर देखता हूं तो लगता है वे सब लोग मुझसे जीत के जिन्होंने घर नहीं छोड़ा। मतलब आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारे लोग जो है अपना घर छोड़ देते हैं अपना जिंदगी बनाने के लिए, मतलब अपना शहर या फिर कहीं भी जाते हैं, प्लान करते हैं। जाकिर भाई भी कह रहे थे अपना मुंबई गए थे अपना जिंदगी बनाने के लिए, अभी सक्सेसफुल भी हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या क्या बोलना वो चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं है, पर आपको अगर समझ आए मुझे कमेंट में जरूर से बताओ। तब अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। जाकिर जो है लगातार यूट्यूब में लाइव आएंगे हर महीने, क्योंकि जिंदगी के बारे में उनके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पर इंस्टाग्राम में सभी चीज नहीं बता पाते हैं। तो जो भी आप पूछोगे उसका आंसर दिया जाएगा और अपनी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा लाइव। तो इसके बारे में बताते हुए लिखते हैं, सोच रहा हूं कि हर महीने एक बार लाइव करो यूट्यूब पर, जहां बस बातें कर सकूं आप सभी से बिना किसी लाग लपेट, और जिंदगी के छोटे मोटे अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं, उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो नेक्स्ट एपिसोड की बढ़ते हैं, जो कि अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। उनका जो अगला स्टैंड अप वीडियो कब आएगा उसके बारे में बात करते हुए बताया इंस्टाग्राम की स्टोरी में, मतलब कल इंस्टाग्राम में क्यों करे, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात, कुछ जरूर क्वेश्चंस आंसर करे वे, उसके बारे में बताता हूं। एक व्यक्ति पूछते हैं, डू यू आंसर बेटर देन राहुल सुब्रमण्यम? तो वे लिखते हैं, आई एम नॉट इवन क्लोज, ही इज वे अहेड इन दिस, और मुझे होना भी नहीं है, मेरे टिकट बिक जाते हैं। उसका अगला क्वेश्चन से पूछा गया, लव यू बच्चे, जस्ट वांट टू नो हाउ इज रणवीर इन रियल लाइफ? तो वे लिखते हैं, जितना इमेजिन कर सकते हो कर लो उतना ही। उसका उनसे स्टैंड अप के बारे में पूछा गया, नेक्स्ट यूट्यूब अपलोड कर? तो वे लिखते हैं, मैं इस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फॉर यूट्यूब, तो नेक्स्ट 4 महीने में लगभग 1 घंटे का मटेरियल डाल दूंगा यूट्यूब पे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके फैंस के लिए। अगली अपडेट की बढ़ते हैं, आचल अग्रवाल के बारे में। उनका जो अभी तक YouTube में कोई भी स्टैंड अप वीडियो नहीं है, आप लोग जानती हो, तो उसके लिए लगातार वे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी रिकॉर्डिंग किया था तो उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और इस बार तो बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम हो गया। जब वे शो के लिए जा रहे थे उनका गाड़ी पंचर हो गया और उनका डीजल भी खत्म हो गया गाड़ी, इसी बारे में क्या बोले वो देखो आप। मैं पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा पीट रही हूँ, आज मेरा रिकॉर्डिंग शो है, तो आज रिकॉर्डिंग शो है, मेरी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले ही डलवा के ले आती हूँ, शो के रास्ते में अगर गाड़ी रुक गई तो परेशानी हो जाएगी, तो आई मैं अभी, मैंने डीजल डलवा लिया। अब मेरी गाड़ी पंचर हो गई है यार, क्या बदतमीजी है ये, यूनिवर्स क्या चाहता है मुझसे, फिजूल के हर्डल्स क्रिएट किए जा रहा है मेरी लाइफ में, गाड़ी पंचर हो गई है, अब मैं आधा पौन घंटा बैठ के यहाँ पे गाड़ी का पंचर बनवा रही हूँ गर्मी में। पर ठीक है, मम्मी कहती है कि काम होने से पहले मुश्किलें आती है तो काम होने के बाद मुश्किलें नहीं आती है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू मी, और आप लोग अगर शो में आ रहे हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आई विल सी यू देयर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म ऑल्सो। बाकी अपने फोन वगैरह सब साइलेंट पे रखना प्लीज, फालतू की बातें बातें इधर उधर करना मत, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसका शो के कुछ स्टोरी डाले ये वाले, कुछ आप लोग देख ही सकते हो, मतलब रिकॉर्डिंग भी हो ही चुका होगा, इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है उनका स्टैंड अप यूट्यूब पर। तो अगली अपडेट मुन्ना और फर्गिस जुड़ी हुई, आप लोग जानते होंगे लोकअप के शो में मुन्ना और सबसे ज्यादा वायरल होते हैं उनके सैरीज के लिए, बहुत दिनों से उनके ना शो में या फिर कहीं भी सैरीज नहीं दिखने को मिल रहा, उतना इमोशनल सैरी, उतना अच्छा सैरी। तो उसी बारे में एक फोन उनसे ट्विटर में ट्वीट करके पूछते हैं, वेयर इज दैट सैर मुन्ना, द फेमस सैरी, वेयर ऑल्सो रीजन वाई यू आर ट्रेंडिंग इन वीक 1 इन लोकल, वेन कैन वी गेट टू हियर मोर सच फ्रॉम यू, प्लीज ब्रिंग मोर सच प्लीज। मतलब वे पूछ रहे हैं कि सैरीज वे क्यों नहीं लिखते, मुन्ना रिप्लाई किए, बहुत सारे लिख दी है, बस इस बार सही तरीके से पेश करेंगे, मतलब अगला स्टैंड अप वीडियोस में हो सकता है सैरीज भी आएगा। तो अगला अपडेट पुणे कॉमेडी फेस्ट के बारे में, पुणे कॉमेडी फेस्ट यूट्यूब फैन फेस्ट के जैसा ही एक शो है, इसमें बहुत सारे कॉमेडियंस एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो इसमें बहुत सारे कॉमेडियंस परफॉर्म करें एक साथ, आप लोग फोटो देख ही सकते हैं, हर्ष, गौरव, बस्सी, गुरलीन, आशीष, सभी लोग एक साथ परफॉर्म करें, उसी के बारे में समय टाइम स्टोरी डाले और ये वाला पोस्ट डाले पीटन वे भी लिखकर, और हर्ष ये वाला फोटो डालकर लिखते हैं, ऑल अबाउट लास्ट नाइट लिविंग पुणे विद सो मेनी मेमोरीज, लाफ्टर एंड लव, थैंक यू पुणे कॉमेडी फेस्ट। उसका रोहन जोशी इस शो का एक बहुत ही रील भी अपलोड किया, वो देखो आप। तो अगली अपडेट कुल्लू बाजी के बारे में है। एक उनका बहुत ही मस्त फैन मूवमेंट हुआ कुछ दिन पहले, तो 5 साल पहले जब वे फेमस नहीं थे तो उसमें सौरभ द्विवेदी के साथ एक फोटो डाले थे, तो वो उनको मिला और सौरभ को टैग करते हुए लिखते हैं, सौरभ दादा ये देखो हमें क्या मिला 5 साल पहले, गिफ्ट भोपाल, मतलब कि वो फैन है सौरभ द्विवेदी का, ऐसा करके डालते उस टाइम पे फोटो भी, और सौरभ द्विवेदी उसी का रिप्लाई करते हुए लिखे, एंड नाउ आई एम योर फैन, मतलब वे बोल रहे थे आप मेरा फैन थे, अभी हम भी आपका फैन हो चुके हैं, तो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा बात है भाई। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा तो मत भूलना, लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए।